आज मैं आपसे बात करूंगी फायर एंड सेफ्टी ट्रेनिंग कोर्सेज के बारे में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि फायर एंड सेफ्टी ट्रेनिंग कोर्सेज में आखिर आपको सिखाया क्या जाता है। दोस्तों, समय की मांग के अनुसार इस सेक्टर में जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज बढ़ती ही जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आजकल हर जोन में फायर स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। इसकी बढ़ती मांग के कारण सरकारी और प्राइवेट दोनों फील्ड्स में इसका करियर ब्राइट ही है। आपको बता दें कि इसके अलावा दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी इससे रिलेटेड जॉब्स पाई जा सकती है। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आप फायर ब्रिगेड में अप्लाई कर सकते हैं। तो फायर एंड सेफ्टी कोर्स में आपको बताया जाता है आग लगने वाली जगह पर इसे बुझाने और बचाने से रिलेटेड जानकारी के बारे में। आज इलेक्ट्रिक मशीन्स का ज्यादा यूज होने लगा है तो आग लगने की घटनाएं भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण बहुत लोगों को बेवजह जान से हाथ धोना पड़ता है। तो इस कोर्स में आग पर कैसे काबू पाना है, इसके अलग अलग तरीके सिखाए जाते हैं। इसके साथ ही इसमें आर्किटेक्चर और बिल्डिंग निर्माण भी सिखाया जाता है। इसमें वर्कर्स को सिखाया जाता है कि आग बुझाने के लिए रास्ता ढूंढने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो इस कोर्स में ये टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, जैसे कि फायर, फायर प्रिवेंशन, हाइड्रोलिक्स, फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। यहाँ पर ये मिसकंसेप्शन भी होता है कि फायर एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स को सिर्फ फायर ब्रिगेड्स एंड फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट्स में ही हायर किया जाता है, लेकिन नहीं, फायर एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स को केमिकल प्लांट्स, इंडस्ट्रीज, एमएनसीज, ऑयल कंपनीज, रिफाइनरीज, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स एंड कंस्ट्रक्शन फर्म्स में भी हायर किया जाता है। तो इंडिया में फायर एंड सेफ्टी कोर्सेज के काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और उनके फॉर्मेट्स हैं सर्टिफिकेट ट्रेनिंग कोर्सेज, ITI कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, बैचलर्स डिग्री कोर्सेज, जो कि आप आफ्टर 12th कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज की। सर्टिफिकेट इन सेफ्टी मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन फायरमैन ट्रेनिंग, सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन सिक्योरिटी एंड फायर प्रिवेंशन, सर्टिफिकेट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। ITI कोर्सेज में इंक्लूड होते हैं ITI फायरमैन कोर्स, ITI फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, ITI सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कोर्स। डिप्लोमा कोर्सेज में इंक्लूड होते हैं डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। बैचलर डिग्री कोर्सेज में इंक्लूड होते हैं BSc इन फायर एंड सेफ्टी, BSc इन फायर एंड सेफ्टी हजार्ड मैनेजमेंट, BSc इन फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी, BTech इन फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग। तो आइए देख लेते हैं इन सभी फॉर्मेट्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सर्टिफिकेट कोर्सेज करने के लिए आपका 10th पास होना जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ITI कोर्सेज करने के लिए भी आपका 10th पास होना जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। वहीं डिप्लोमा कोर्सेज करने के लिए आपका 10th पास होना जरूरी है, ITI या फिर 12th पास होना जरूरी है। बैचलर डिग्री कोर्सेज के लिए आपका 12th पास होना जरूरी है, या फिर आप डिप्लोमा कोर्सेज के बाद भी बैचलर डिग्री कोर्स कर सकते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं करियर प्रोस्पेक्ट्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। फायर एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स में जा सकते हैं एंड सम ऑफ द मेजर रिक्रूटर्स आर गवर्नमेंट फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट, ऑयल कंपनीज, रिफाइनरीज, केमिकल प्लांट्स, इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, फायर सेफ्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, कंस्ट्रक्शन फर्म्स, आर्म्ड फोर्सेस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। आपको बता दें कि फायर एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स की बहुत ज्यादा डिमांड है अब्रॉड में भी। इंडस्ट्रीज इन गल्फ कंट्रीज, यूरोप एंड USA आर नोन टू रिक्रूट फायर एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स फ्रॉम इंडिया। तो आई होप आपके फायर एंड सेफ्टी ट्रेनिंग कोर्सेज से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं मिलूंगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।